असली कौन से भगवान है? ये भोलेनाथ जी। और ये दूसरे? ये भी है भोलेनाथ जी का। अरे गजब, सब जिस कर्मों के जमाने की चीजें हैं। अच्छा, भोलेनाथ जी की मूर्ति बहुत कम जगह देखने को मिलती है ना, बहुत पुराना स्थान है। हाँ, ये भोलेनाथ जी की दो तीन स्थान तो अलग अलग है। अच्छा, हाँ दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं कलहरा ग्राम पंचायत में और यहाँ पे मकर संक्रांति 14 जनवरी से मेला की शुरुआत होती है दोस्तों। और यहाँ एक बहुत भव्य मंदिर है कलहरा का, जहाँ पे बहुत प्राचीन प्रतिमा भगवान भोलेनाथ जी की आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत ही रेयर आपको हर जगह शिवलिंग ही मिलता है, परंतु आप देखिए यहाँ के जो पंडित जी हैं वो हमको भोलेनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं। ये आप भोलेनाथ जी की प्रतिमा देखकर, जो बहुत पुरातात्विक है, पुराने समय की है, और ये हमको एक मंदिर के अंदर हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ भी पानी पहले के समय में झिरता रहा, इस समय कम हो गया है दोस्तों। और यहाँ से पानी निकलकर तालाब बनता है बाहर जाके, और यहाँ हर साल मेला लगता है। दोस्तों 14 जनवरी से 22 जनवरी तक यहाँ मेला भरता है और आज मेला का प्रथम दिन है, आज मेला की शुरुआत हो रही है दोस्तों। दोस्तों जो मंदिर हम दिखा रहे थे, उस मंदिर के बाहर का दृश्य है ये, और बाहर का दरवाज़ा जहाँ से हम लोग अंदर गए थे, और इस प्रकार से हम लोग अंदर जाके दर्शन किए। यहाँ पे ये तालाब को बाद में पक्का किया गया है और यहाँ पे पानी झिरता है, आता है। यहाँ आगे चल के हनुमान जी जो संकट मोचन हैं उनके आप दर्शन करिए। इस प्रकार से दोस्तों ये मंदिर पुराने समय से ही है, आज भी उनका इतना ही महत्व है ग्रामवासियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, कलहरा में मेला लगा हुआ है और ये कैमोर के पास ही पड़ता है, मुश्किल से 2-4 किलोमीटर में, और क्षेत्रीय मेला है, 22 तारीख तक चलेगा। और अभी आज इसकी शुरुआत है, इसलिए दुकान वगैरह सब धीमी है और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो रही है। लोग बाग दुकान वगैरह का सामान ला रहे हैं धोकर और मेला की शुरुआत कर रहे हैं। आज संडे का दिन है दोस्तों, छुट्टी का दिन है, इसलिए हम लोग को आज ही आना पड़ा। और दुकान देखिए दोस्तों, गन्ना मेला की शान होती है, और गन्ने की एक व्यापारी ने छोटी सी दुकान लगाई है स्टार्ट में, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलेंगे तो ये बढ़ जाएगी। मेला की शुरुआत है, अभी सब लोग तैयारी, दुकानदार तैयारी में लगे हुए हैं ना, अभी मेला तेज नहीं हुआ। हम लोग लगभग 12:30 के लगभग घूम रहे हैं। चाट वगैरह की दुकान आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, चाट की दुकान सबसे पहले लगती है, जो सबकी पसंद है। मेला अभी शुरुआत ही है और यहाँ सब तैयारी में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे सब कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है, जिसको जो मेला में लगाना है वो तैयारी कर रहा है। आज पहला दिन है दोस्तों, तो अभी 1-2 दिन तो इसी प्रकार से अभी चलेगा, फिर वो अपने पूरे रफ्तार में चलेगा। दोस्तों हम मेला का दूसरा भाग भी आपको अगले रविवार को दिखाएंगे। आप ये वाला ब्लॉग जब देखेंगे तो आपको मेला में अंतर समझ में आएगा कि आज ये कुछ खाली खाली सा है और फिर अगली बार
किस प्रकार से ये भरा हुआ है। यहाँ पे मेला अभी बिल्कुल शुरुआत के ही क्षणों में है। अच्छा, यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, है ना? क्या भैया, लग गई दुकान? अभी आज नहीं भरा, आज पहला दिन है। हाँ, आज शांति रहेगी, बढ़िया दुकान है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सामान वगैरह, छोटे बच्चों के खेलने के लिए हर प्रकार की ज़रूरत के आकर्षक खिलौने हैं जो आपको बिल्कुल लुभाएंगे। जैसे ही आप मेला में आएंगे तो आपको ये आकर्षक खिलौने जो है तो छोटे बच्चों के लिए रखे गए हैं दोस्तों। यहाँ दुकान अभी आई नहीं है, यहाँ देखिए आप लकड़ी वगैरह गड़ी हुई हैं, ये दुकान के लिए आरक्षित है, ये है ना। ये दुकान यहाँ से पूरा भरेगा, जो दुकानदार लिए होंगे यहाँ के जगह, तो ये पूरी दुकान का एक रास्ता है, चूना डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रामीण जो मिठाई होती है, लुड़ैया वगैरह, ये सब मेला में मिलता है। देखिए गांव की मिठाई, जलेबी, लुड़ैया, जलेबी ले चलेंगे दोस्त, ठीक है दोस्तों। हम लोग को जलेबी दिखी है, जलेबी हम लोग देखिए, गुड़ की जलेबी हम लोग खरीदेंगे, देखते हैं कितने में देते हैं व्यापारी यहाँ के। गन्ने का पूरा यहाँ दृश्य, क्या भैया आज शांति है? आज हाँ, आज की शुरुआत है, नहीं भरेगा, मेला का बहुत क्रेज रहता है। अब हम लोग क्या संडे के कारण आए हैं, हाँ दोस्तों। यहाँ पे लुभावने खिलौने जो छोटे बच्चे बिल्कुल देखते ही खरीदने के लिए बिल्कुल माता पिता को परेशान करने लगते हैं कि हमको ये चाहिए, वो बिल्कुल आकर्षक खिलौने यहाँ रखे गए हैं। यहाँ पे सब्जियाँ भी रखी गई हैं। हाँ दोस्तों, हमने मेला में गुड़ की जलेबी एक पाव हम लोग ले लिए हैं और साथ में लुड़ैया भी लिए हैं दोस्तों, क्योंकि आज ज़्यादा दुकानें खुली नहीं हैं और ऐसे कोई आवश्यकता कहीं की लग नहीं रही है, और खाने का आइटम हम लोग ले लिए हैं। और अगले ब्लॉग में आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, इसका भरा हुआ रूप दिखाएंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों।